नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों ये वीडियो मैं एक बार और शूट कर चुका हूं लगभग दो हफ्ते पहले आई थिंक या फिर एक हफ्ते पहले, और इस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ बात करी थी चार म्यूचुअल फंड्स के बारे में। मैं हमेशा नॉर्मली स्टॉक्स पे बात करता हूं, बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स को लेकर बात करते थे कि मुझे म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगाना है तो कौन सा म्यूचुअल फंड बेस्ट होगा। ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड एक से लगते हैं, कुछ अलग दिखता ही नहीं है, लेकिन मैं यहां आपके साथ चार ऐसे चुनिंदा म्यूचुअल फंड्स लेके आया हूं जो आपका पैसा तेजी से बना सकते हैं और इनमें क्यों पैसा लगाना चाहिए इसके बारे में भी समझेंगे। म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता है मैंने पैसा लगा तो दिया है लेकिन ये म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। अगर आपको उसके काम के बारे में नहीं पता तो आपने क्या करा, आपने ट्रस्ट कराया म्यूचुअल फंड पे कि ठीक है यार मेरा पैसा ग्रो होगा, मैं खुद पैसा लगाऊंगा तो नहीं बनेगा लेकिन यहाँ पैसा बन जाएगा मेरा, ये आपने सुना है और इसलिए आप लगाते हो। लेकिन आपका पैसा ज्यादा कहाँ बनेगा, तेजी से कहाँ बनेगा, कौन सा म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, कौन से में आपको लगाना चाहिए, अगर चॉइस के लिए बोला जाए तो आप ब्लैंक हो जाते हो। तो यहां मैं आपके साथ चार ऑप्शन दूंगा, चारों अलग अलग तरीके से काम करते हैं, आपको जो काम बेस्ट लगे उसमें पैसा लगाना। और पर्टिकुलरली मैं डिस्क्लेमर दूं, मैं पर्सनली इस में से एक म्यूचुअल फंड में पैसा लगाता हूं और आपके साथ वो शेयर करूंगा कि मैं कौन से में लगाता हूं और एक और में मैं लगाऊंगा, यानी कि दो म्यूचुअल फंड इन चार में से उठाऊंगा मैं, ठीक है। और जो दो नहीं उठा रहा हूं ऐसा नहीं है वो खराब, वो भी टॉप क्लास म्यूचुअल फंड है। स्टार्ट करता हूं, सबसे पहले म्यूचुअल फंड्स उनके लिए होते हैं जो खुद मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, जो खुद मार्केट में डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकते या फिर वो मार्केट की वॉलिटिलिटी से डरते हैं, जब लॉस होता है तो घबरा जाते हैं और स्टॉक्स को बेच देते हैं, तो उनके लिए म्यूचुअल फंड एक बेस्ट होता है। अदरवाइज डायरेक्ट इक्विटी से ज्यादा तो पैसा कहीं है ही नहीं भाई, सीधी सी बात है, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड इनके लिए बेस्ट है वो आपको समझ में आ गया। अगर आप एक और सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ देखना चाहते हो बाजार में तो वो होता है ईटीएफ। ईटीएफ बाइंग करने लगो, निफ्टी का ईटीएफ खरीदने लगो, एचडीएफसी का निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी 50 का ईटीएफ उठा लो आराम से। आपको भी पता है शेयर बाजार जिंदगी और ऊपर ही जाना है यार, कंपनियां खराब होंगी निफ्टी बाहर कर देगी, जो अच्छी होगी उसे अंदर ले लेगी, तो वो चलता रहेगा लाइफ टाइम, लेकिन आपको ओवरऑल पैसा बने के देगा। 10 से 12% का निफ्टी का कैगर आता है अगर आप लंबे समय में देखो तो बेहतरीन पैसा बनता है। अब इन म्यूचुअल फंड्स में अगर आपको पैसा लगाना है, निवेश करना है, तो ये जरूरी नहीं है आपके पास डीमेट होना चाहिए, आप किसी डीमेट के थ्रू ही लगा सकते हो, यानी ब्रोकिंग फर्म के थ्रू ही लगा सकते हो, आप फोन पे से ही लगा दो। मैंने पर्टिकुलरली फोन पे से ही लगाया है। आप अमाउंट कभी भी चेंज कर सकते हो और विड्रॉ कभी भी मार सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया आपका पैसा लॉक हो गया है, जब आपको मन करे निकाल लो, बट मैं कहूंगा कि आप मिनिमम 10 साल के लिए लगाना मेरे कहने से 10 साल। और म्यूचुअल फंड में पैसा तो सब लगाते हैं लेकिन एक चीज कोई चेंज नहीं करता, वो चीज आपको चेंज करनी है, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। इस तरीके से ना आप निवेश करो, ट्रस्ट मी 10 साल बाद मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूं नहीं बना रहा हूं लेकिन आप मुझे दिल से थैंक यू बोलोगे, इतना मैं आपको लिख के दे सकता हूं। और छोटा सा निवेश के लिए बोलूंगा, ऐसा नहीं बहुत बड़ा निवेश बोलूंगा आपसे, 500,000 से सब कर सकते हैं, तो आप 500,000 रुपए से निवेश करना स्टार्ट करो। अब स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड। तो सबसे पहले फोन पे अगर मैं नॉर्मली देखिए डीमेट किसी का कुछ है किसी का कुछ है लेकिन फोन पे सबका सेम ही होता है, तो फोन पे एक ऑप्शन होता है वेल्थ का, उस वेल्थ पे जाके क्रिएट SIP या फिर वहां SIP लिखा होता है या फिर म्यूचुअल फंड जो भी लिखा हो उसी पे क्लिक कर देना और जहां पे सर्च का ऑप्शन हो वहां पे सर्च कर लेना। अब कौन कौन से पहले सुनो, सबसे पहला है ICICI का प्रू लार्ज कैप एंड मिड कैप, ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप निवेश कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर देता हूँ ICICI प्रूडेंशियल का लार्ज कैप एंड मिड कैप, उसके क्या रिटर्न्स रहे हैं क्या रिटर्न्स नहीं रहे हैं, मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, एक सेकंड लगेगा मुझे। ICICI का ICICI प्रूडेंशियल का प्रूडेंशियल लार्ज कैप एंड मिड कैप, 3 साल के रिटर्न इसके 37% के हैं दोस्तों, 37% के 3 साल के रिटर्न हैं पर एनम के हिसाब से देखा जाए तो। मिनिमम इन्वेस्ट आप 100 रुपीज कर सकते हो लेकिन मिनिमम 500 करना है यार, और 10 साल मिनिमम, 10 साल मतलब मैक्सिमम ले लो, मिनिमम छोड़ो आप, 5 मिनिमम और 10 मैक्सिमम। अब आपको चेंज क्या करना है वो एंड में बताऊंगा, ये एक हो गया आपके लिए इसमें आप निवेश करिए। दूसरा आपके लिए HDFC का फ्लेक्सी कैप। अब देखिए ICICI प्रूडेंशियल का मिड कैप एंड लार्ज कैप क्या करता है, नाम में ही समझ में आ रहा है कि वो मिड कैप और लार्ज कैप में पैसा लगा रहा है, ठीक है, मिड कैप स्टॉक्स पिक कर रहा है, लार्ज कैप पिक कर रहा है और उनमें पैसा लगा रहा है, नाम में ही समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इसका ये काम है, अगर आपको लगता है कि लार्ज कैप और मिड कैप से खरीद के मुझे अपनी पोर्टफोलियो बनानी चाहिए तो आप निवेश करिए यहाँ पे। दूसरा है HDFC का फ्लेक्सी कैप। अब फ्लेक्सी कैप क्या कर रहा है वो देख लेते हैं एक बार।
फ्लेक्सी कैप भी भैया ऑलमोस्ट 37.22% के रिटर्न्स दे रहा है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट यहाँ भी आपके लिए 100 रुपीज है, लेकिन आपको कितनी मिनिमम रखनी है, मिनिमम 500, मैक्सिमम जो दिल आपका करे। अब ये फ्लेक्सी कैप का क्या मतलब है, मतलब तो हमें पता ही नहीं है पैसा लगाने से पहले तो क्या फायदा, मतलब ये है कि ये अपने हिसाब से देख लेगा मुझे स्मॉल कैप में लगाना है, मिड कैप में लगाना है, लार्ज कैप में लगाना है, माइक्रो कैप में लगाना है, मुझे जहां पे ज्यादा ग्रोथ दिखेगी, जिस कंपनी में ज्यादा ग्रोथ दिखेगी वो अपने आप फ्लेक्सिबल होता रहेगा, जब मार्केट में उसे लगेगा मिड कैप चलेगा तो वो मिड कैप में लगाएगा, जब मार्केट में लार्ज कैप लग रहा है वो लार्ज कैप में लगाएगा, यानी अपने हिसाब से काम करेगा और ये सबसे बेस्ट है, कोई इस पे लिमिट्स नहीं है, ठीक है। तो HDFC का फ्लेक्सी कैप रिटर्न 3 साल के 37.22% पर एनम है, ठीक है। थर्ड है फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप, यानी ये भी फ्लेक्सी कैप ही है और ये फ्रैंकलिन इंडिया का है, ठीक है। तो फ्रैंकलिन इंडिया का फ्लेक्सी कैप भी आप देख सकते हैं, इसको भी आप चाहे तो कंसीडर कर सकते हैं। फ्रैंकलिन इंडिया का ना एक्चुअली आपका फोन पे शो नहीं हो रहा है दोस्तों, बट ठीक है आप किसी साइड से आके देख सकते हैं। तो ये थर्ड है। एंड फोर्थ आपका DSP का स्मॉल कैप। अब DSP के स्मॉल कैप के बारे में बात करते हैं, मैं यहाँ पे इसके रिटर्न्स भी बता दूं। DSP स्मॉल कैप फंड 3 साल के 42.53% के पर एनम के रिटर्न्स हैं, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 500 है और आपको मिनिमम इतनी ही रखनी है और आप जितना मर्जी ऊपर लगा लीजिए, और फंड साइज टोटल जो दिखा रहा है तो 9,000 करोड़ के समथिंग का है। ये है, अब ये क्या है, ये नाम भी समझ में आ रहा है स्मॉल कैप, यानी कि स्मॉल कैप में ही पैसा लगाएगा। अब आप कोई भी चुन लो जिसमें आपको ज्यादा समझ में आए, बस एक चीज जो मैं आपसे कह रहा हूं वो जरूर करना, जब आपको लगे बाजार गिर रहा है, खत्म हो रहा है, सब खत्म हो गया, उस दिन आप अपनी SIP बढ़ा दो। नॉर्मली 500 की कर रहे हो 1000 की कर दो, नॉर्मली 1000 की कर रहे हो 1500 की कर दो, नॉर्मली 1500 की कर रहे हो 2000 कर दो। कितने दिन करनी है यार, 1-2 महीने करनी है, मार्केट जिंदगी नीचे नहीं आता, 1-2 महीने ही रहता है बस, तो वो 1-2 महीने आप पैसा बढ़ा दो। और जब आपने बाजार में लाइफ टाइम हाई देख दी उस समय आप नॉर्मली 1500 कर रहे हो 1000 की कर दो, 500 की कर रहे हो तो 500 की रहने दो, 1000 की कर रहे हो तो 700-800 कर दो, मतलब थोड़ा बहुत कम कर दो, और लाइफ टाइम जब गिरे बढ़ाना है आपको, जब उठे तब बेशक आप घटा दो, और जब साइडवेज है तो अपनी न्यूट्रल रखो, कोई कम नहीं कोई ज्यादा नहीं। अभी मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट नेगेटिव है, बायर्स खत्म है, आप अपनी SIP डबल कर दो। कितने महीने करनी होगी, 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4th महीने से तो अपने आप मार्केट ऊपर, 4th महीने और नीचे जा रहा है मैं और बढ़ा दूंगा, ठीक है, बस इतना करना है। बाजार हमेशा ऊपर जाएगा और जिसने भी गिरावट में SIP बढ़ाई वो बड़ा पैसा बनाएगा। अब आते हैं मैं कौन से में निवेश करता हूँ। तो पर्सनली मेरा निवेश HDFC फ्लेक्सी कैप में मैंने निवेश कर रखा है, मैं उसमें म्यूचुअल फंड चला रहा हूँ अपना, क्योंकि मुझे ये लगता है ठीक है अपने आप काम करो भैया, जहां पैसा लगाना है लगाओ, तो वो बेस्ट ऑप्शन है। जब मार्केट ज्यादा डाउन होगा मैं स्मॉल कैप उठा दूंगा DSP का, बाकी लार्ज कैप और मिड कैप में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट है नहीं, थोड़ा सा लंबे समय में खेलना है तो बड़ा पैसा बनाना है तो यही बनेगा। तो यदि मेरी वीडियो होप आपको समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।